हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एम डी हेल्प यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दिल्ली सुबोर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से एक नया नोटिस आया है। क्या दिया गया नोटिस में, डिस्प्ले ऑफ ड्राफ्ट आंसर की फॉर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर वेरियस एग्जामिनेशन हैज पर डिटेल गिवन बिलो। जिसका दोस्तों DSSSB का जो भी कुछ पोस्ट का एग्ज़ाम था, CBT जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था दोस्तों आपका एग्ज़ाम है, उसकी आंसर की आ चुकी है। कौन कौन सी वे पोस्ट है, कौन सी पोस्ट कोड है आपके, किन की आंसर की आई है, चलिए देखते हैं। जो ये आपकी 8 पोस्ट दी गई दोस्तों, इन सभी के आंसर की आ चुकी है। यहाँ पर अपना पोस्ट कोड देख सकते हैं, एग्ज़ाम डेट देख सकते हैं। जो पहली पोस्ट थी जूनियर स्टेनोग्राफर, उसके बाद स्टोर कीपर, फायर ऑपरेटर, स्टोर कीपर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर टेलीफोन ऑपरेटर, वेटरनरी लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर। यहाँ पर आप पोस्ट कोड देख सकते हैं, 4/20 आपका पोस्ट कोड था। 23 तारीख को इसका एग्ज़ाम था। 19 तारीख से लेकर 23 तारीख तक जो DSSSB के एग्ज़ाम थे, उन सभी की आंसर की आ चुकी है। आप अपने आंसर की चेक कर सकते हैं। नीचे क्या दिया है, कैंडिडेट हु हैड अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर द अबव सेड पोस्ट ऑन सेड डेट मे व्यू द ड्राफ्ट आंसर की एंड द फाइल ऑब्जेक्शन इफ विद रिस्पेक्ट दीज ड्राफ्ट आंसर की गोइंग टू द लिंक। ये लिंक दिया गया दोस्तों, इस लिंक पर जाके आप अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं और ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद द लिंक अवेलेबल 29/4/2021 टू 3/5/2021, 29 तारीख से लेकर 3/5/2021 तक आपका लिंक एक्टिवेट रहेगा आंसर की देखने का और ऑब्जेक्शन लगाने का, ठीक है दोस्तों। 29 अप्रैल से 3 मई तक आप अपने आंसर की चेक कर सकते हैं, 5 दिन आपका लिंक एक्टिवेट रहेगा। ए हेल्प फाइल फॉर फिलिंग ऑफ ऑब्जेक्शन इज गिवन बिलो। द हेल्प फाइल इज आल्सो अवेलेबल इन वेबसाइट ऑफ DSSSB की साइट पर दोस्तों, हेल्प फाइल अवेलेबल रहेगी, वहाँ जाके आप कुछ भी हेल्प ले सकते हैं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है दोस्तों। DSSSB की तरफ से नोटिस था, जो आपकी 8 पोस्ट थी उनके आंसर की आ चुकी है। आप अपने आंसर की चेक कर सकते हैं। आपको अपने आंसर की कैसे चेक करनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं DSSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। यहाँ से आप अपने आंसर की चेक कर सकते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर डालना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और लॉगिन पे क्लिक करना है, आपकी आंसर की आपके सामने आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगर आप सीधे आंसर की चेक करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी आंसर की को, ठीक है दोस्तों। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल MDU हेल्प को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।